press the bell icon for all the updates. एकदम मंदिर वाली फीलिंग आ रही है ना। आइए देखते हैं कौन है आज का हमारा होस्ट जो करने वाला है आज हमारी मेहमान नवाजी। हेलो, क्या बात है। आइए आइए मैडम अर्शी खान। गाइस हेलो, अस्सलाम आदाब, कैसे हैं आप सब? आप कैसे हो? गुड टू सी यू। मैं आपको कैसे लग रही हूँ? बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो आप। सारी इंतजार किया, आइए बस घर के अंदर। बहुत अच्छे लग रहे हो यार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। आप तो हमेशा प्यारी, नेहा हमेशा प्यारी लगती है हमारी। नेहा नहीं नहीं, अर्शी इनफैक्ट हमेशा प्यारी लगती है। साड़ी आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है आफ्टर नाइटी। हाँ आफ्टर नाइटी मैंने एक्चुअली बिग बॉस से ही अपना पूरा लुक चेंज किया था और नाइटीज़ में तो लोग हमेशा मुझे देखते थे, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा साड़ी में लुक दे दिया जाए तो बेस्ट रहेगा। एकदम साड़ी में मेहमान नवाजी की। और ये साड़ी बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि हैदराबाद से मुझे मेरे एक बहुत सारे फैंस हैं वैसे, उन्होंने बड़ा गिफ्ट किया था तो मैंने कहा आज पहन ली जाए, बहुत अच्छा रहेगा। सारी बातें बाहर ही करनी? नहीं नहीं अंदर आइए, चलो आ जाओ। मेहमान नवाजी के लिए कब से प्लान कर रहे थे फाइनली, लेकिन मेहमान नवाजी के लिए मेहमान भी तो तैयार होना चाहिए ना। ये बहुत ज्यादा बिजी थे। नो नो लेट मी टेल यू, अर्शी जी को हम कब से फॉलो अप कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिजी थी। ये लोग मुझे सिर्फ सलोन में लेकर जाते थे। नहीं, आपकी मेहमान नवाजी के लिए तो इंतजार था हमें डेफिनेटली। और मेरी मेहमान नवाजी तो मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मेरे जितने भी मेहमान आए मैं उनको बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल करूँ और आज वही होगा। ओके, तो अर्शी बॉम्बे, ये आप बिग बॉस के घर पे तो आपको देखा ही है, लोगों ने आपकी जर्नी पता चली है, पर आई वॉन्ट टू नो कि कब शुरुआत हुई, यू नो कब सोचा कि मॉडलिंग करना है, एक्ट्रेस बनना है? एक्चुअली मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पर 2012 में आई थी और खूब मतलब मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि भोपाल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि अर्शी इधर नहीं जा सकती, अर्शी उधर नहीं जा सकती, अर्शी ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। तो मैंने अपनी माँ से कहा मम्मी सुनो, अब या तो अर्शी यहाँ पर रहेगी या फिर मैं गई ऊपर। तो मम्मी ने कहा अरे ये कैसे? तो मैंने कहा मम्मी मुझे जाने दो प्लीज़, बॉम्बे जाने दो, मुझसे नहीं रहते बनता। फिर मैं आई यहाँ पर, मैं यहाँ कुछ इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं आई थी, मैं सिर्फ घूमने ऐश करने, मैंने कहा लाइफ जी लूँगी अपनी यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल गुजर गए, फिर उसके बाद घर से भी फ़ोन बजने लगे कि अरे अर्शी तुमने तो वादा किया था, तुमने वादा किया था तुम इंडस्ट्री में काम करोगी। फिर 2014 के अंदर मैंने खूब सारे ब्यूटी पेजेंट जीते, वो मैंने उन लोगों को दिखा दिया, मैंने खुश रहो देखो देखो जीते जीते जीते। फिर उसके बाद उन्होंने 2015 में मेरा बड़ा बिग बॉस का वो चल रहा था कि अर्शी आने वाली है और मैं 23 दिसंबर को जाने भी वाली थी, लेकिन वो नहीं हुआ। और घर वालों की बड़ी उम्मीद थी कि भैया नहीं गई नहीं गई, मैंने कहा मुझे बिग बॉस के बारे में मत बोलना, मेरे को नहीं जाना, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। अभी 2016 में मैंने कुछ नहीं किया, फिर 2017 में उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अर्शी आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं और आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा आपने फिर 2015 में मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे बैग्स भरे रह गए थे जो मुझे लेकर जाने थे। ओ फिर उसके बाद बोलते हैं किस्मत की बात होती है और मैं बिग बॉस में चली गई। या और बिग बॉस के बाद तो हमें पता ही है मैडम को बिल्कुल टाइम नहीं मिला है अब तक। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। और जैसा कि सलमान ने बहुत सी चीज़ें सिखाई थी उस पर मैंने अमल किया और इसी वजह से मुझे शायद इसी वजह से मुझे काम मिल रहा है। यस एक्चुअली आपके इसी बिंदास एटीट्यूड की वजह से ही शायद इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी आपके साथ साथ चली है, उस फेस को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? तभी थोड़ा सा भी इफेक्ट हुआ यू नो सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह, इतने पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट। सी कॉन्ट्रोवर्सी से मुझे कभी कोई मतलब नहीं रहता, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कभी सोचती नहीं थी कि इस चीज़ का ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन अब बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ते हैं क्योंकि पहले तो देखिए आप सेलिब्रिटी नहीं थे, आप एक कॉमन थे और आप
कर रहे थे जो भी, कि हमें सोशल साइट पे या फिर हर जगह अपने आप को ऊपर दिखाना है या फिर गूगल में रैंकिंग हासिल करनी है कुछ भी, तो उस वक्त ऐसा सोच रहता था दिमाग में। लेकिन फिर घर वाले भी कुछ ऐसे बोल दिया करते थे, अरे ये कैसी पिक्चर है तुम्हारी। मैं कहती थी यही चलता है, यही चलता है, यही चलता है। नहीं वही मैं आगे भी पूछने वाली थी, जैसे कि आपने कहा यू नो वहाँ भोपाल में ऐसा हाल था कि आप यहीं यहाँ नहीं जा सकते, ये शायद ये नहीं पहन सकते एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन सडनली कमिंग हियर और फिर वो पिक्चर्स सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फिर घर वालों के किस तरह के रिएक्शंस थे? मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, तो इस वजह से उनको पता है कि ये मतलब इकलौती है तो बहुत लाड़ से पली हुई, नाजों में पली हुई। हाँ, तो मुझे जो करना रहता है मैं उनसे बोलती हूँ, देखिए ये ऐसा है, आपको पसंद हो या ना हो ठीक है, लेकिन ये ऐसा ही है। तो यानी अच्छा सपोर्ट भी मिला आपको, यू नो वो माहौल की मेरे घर से मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला है। वाओ, और फिर फाइनली आप गए बिग बॉस हाउस में। फाइनली मैं बिग बॉस हाउस में गई तो मतलब वो मेन मेरे फादर के लिए था, वो चाहते थे कि मैं सबसे पहला शो अगर करूं तो सलमान के साथ करूं, तो उनकी ये दिली ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैंने एज ए होस्ट उनके साथ, मतलब सर ने सलमान ने मेरे साथ किया और वो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो देखा होगा आपने वो जब शो के अंदर आए थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, मेरे फादर की ख्वाहिश पूरी हो गई, वो खुश हो गए, दैट्स इट। हाउ स्वीट। वहीं घर के अंदर गए, कंटेस्टेंट्स को मिले, किसे किसे जानते थे, किससे पहली बार मिले थे? वैसे मैं किसी को जानती नहीं थी, और जब मैं घर में गई तो जितने भी सीनियर्स थे, जैसे शिल्पा है, हिना है, विकास गुप्ता है, वो लोग मेरे बड़े करीबी हो गए थे। हिना शुरू में नहीं हुई थी मेरे करीबी, लेकिन आठवें हफ्ते के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया, एक दूसरे को समझा, तो मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और शिल्पा हमेशा से मेरे बड़े करीब रहीं, और विकास तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आकाश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हितेन तेजवानी की बात करते हैं, हितेन से मेरा प्यार नहीं था। हाँ। ये बहुत क्लियर चीज़ थी, और मुझे प्यार नहीं हुआ था उनसे, वो बड़े अलग इंसान थे, बड़े सिंपल बंदे थे, आराम से घूमना, सुबह के टाइम दो अंडे लाकर मुझे दे देना और कहो ब्रेकफास्ट बना दो मेरा अर्शी बेगम, मैं ब्रेकफास्ट बना दिया करती थी, थोड़ा छेड़ दिया करती थी सुबह के वक्त उन्हें, उनको छेड़ने में मज़ा आता था, क्योंकि वो छेड़ के ऐसे में उनको टच करके ऐसे निकल जाती थी, कहते ए क्या कर रही है, तो बड़ा मज़ा आता था दिन भर उनको छेड़ना। और प्यार तो नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा इंसान है और वो पहले ही मुझसे बोल चुके थे अर्शी मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर खराब मत कर अर्शी। तो मैंने कहा मैं घर खराब नहीं कर रही, मैं तो मजे ले रही हूँ तुम्हारे। छेड़ रहे, तो छेड़ रहे थे। बस वो अभी भी है, अभी हम लोग शायद किसी टीम के लिए शायद खेलेंगे साथ में, तो हो सकता है उस टीम के अंदर भी मैं उनको बहुत परेशान करने वाली हूँ। आई एम श्योर वो ऑडियंस भी ज्यादा मिस कर रही है, वो ऑडियंस तो बहुत खुश हो जाएगी हम दोनों को साथ देख कर। एग्जैक्टली। अच्छा बिग बॉस के घर में आपकी स्टाइल की भी यू नो बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे ऑडियंस, तो स्टाइल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? शायद आपके बेडरूम में हम देख सकते हैं कुछ। मेरा स्टाइल कभी भी यार नेहा कुछ भी नहीं रहा है, मैं बड़ी नेचुरल जैसी घर में रहती थी वैसे ही, मुझे नहीं पता, मुझे वैसे भी नाइटीज़ पहनना बहुत पसंद है, मैं घर में भी अपने नाइटीज़ पहन कर रखती थी और वही स्टाइल बन गया मेरा। मैंने कहा वाह वाह मेरी नाइटीज़ छा गई हैं। एग्जैक्टली, नाइटीज़ ट्रेंडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गई, और बहुत जल्दी मैं अपना ब्रांड इसका स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है कि मैं अर्शी नाइटीज़ करके ज़रूर ब्रांडिंग करूँ उसकी, तो मैंने कहा बिल्कुल एक महीना दे दो मुझे काम करने दो, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा लिविंग एरिया तो देख लिया, कैन वी गो अहेड एंड सी योर बेडरूम? कम 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 आइए, लेकिन वही आते हैं। आओ नेहा आओ, मैं तुम्हें क्या क्या दिखाऊं। तो ये मेरा बेडरूम है, और जो भी मेरा बड़ा साफ बड़ा सुथरा है ये जो घर है, वो छोटू ही साफ करता है, पूरी साफ सफाई, मेरा खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। हाँ। चाय तो बेस्ट है। छोटू आ जाओ। हेलो। अच्छा आपकी चाय की बड़ी तारीफ हो रही थी, और देखो चाय आ भी गई, वो बनाता बहुत अच्छी चाय। ओ देखा ये। हाँ मेरे। हाँ थैंक यू छोटू। थैंक यू। तो ये मतलब यहाँ आप अपना मी टाइम स्पेंड करते हो? सबसे बेस्ट जगह यही होती है घर, घर में आकर बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। वहीं अपने बिग बॉस हाउस की हमने अभी बात की, वहाँ आपकी स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, तो ऐसे कुछ यू नो आपके वार्डरोब में से ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे ड्रेसेस दिखाना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब हो? क्या स्टाइल? नाइटी वाला स्टाइल? नाइटी भी इतना ही नाइटी बहुत फेमस है। हाँ। तो मैं आपको नाइटी दिखाती हूँ,
जो मेरी, मैं वैसे सेटिन की ज़्यादा नाइटीज़ पहनना पसंद करती हूँ, मेरी ये सब फेवरेट हैं। अभी मैंने ज़्यादा नहीं निकाली क्योंकि बहुत अंदर हैं, और बिग बॉस से आने के बाद ना बड़ा सामान, एक तो विकास ने ऐसा सामान जमा के दिया ना, पता नहीं क्या किया उस बंदे ने, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ये नाइटी देखिए, थोड़े से ये घर के अंदर थोड़ा हल्दी लग गया था खाना बनाते टाइम, और थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, तो मतलब ये जब नाइटी पहनी थी तो बड़ा लोगों ने पूछा था ऐसे कैसे पहन सकती हो तुम, ऐसे कैसे पहन सकती हो। मैंने कहा एक और कॉन्ट्रोवर्सी, मैंने कहा मैं ऐसे ही पहन सकती हूँ, यानी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यू नो आई लाइक दैट एटीट्यूड कि मतलब इतने सारे किस चीज़ से फ़र्क पड़ना है, जब पुराने पुराने वक्त के अंदर लोग थे और उनके पास कपड़े पता भी नहीं था कि कपड़े क्या होते हैं, जब इंसान बना आया दुनिया के अंदर तब कोई शर्म हया नहीं थी, तो अभी क्या, इससे क्या मतलब है? अगर आपका बॉडी दिख जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? देखने वाले गलत होते हैं, दिखाने वाले नहीं होते। अच्छा ये तो हुई नाइटी की बात, अगर कोई रेड कार्पेट इवेंट या ऐसे कुछ हुआ तो वहाँ अर्शी खान, मैं एक्चुअली मैं बड़े नवाबी स्टाइल में रहती हूँ, तो अभी कल मेरी एक डिज़ाइनर थे, हमारे स्टाइलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैडम मैं आपका पूरा लुक ही चेंज करना चाहता हूँ, आप बड़ी पाकिस्तानी और नवाबी लुक देती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़्यादातर ये अनारकलीज जो हैं ये पहनना पसंद करती हूँ मैं। अब देखेंगे, ये तो मैंने अभी पहना था ना, शायद आपको याद होगा, अभी जब मेरा पार्टी था तो मैंने उसमें पहना था ड्रेस, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस दिन ये मैंने ये वाला पहना था ना वीकेंड के वार पे, बड़ी ख्वाहिश थी सलमान मेरी तारीफ कर दें, हाँ, बड़ी मेहनत से पहना था, इसमें बहुत प्रिटी लग रही है ना, सभी बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे, मैं थोड़ा अलग ही सदमे में बैठ, मुझे एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वीकेंड के वार पे आकाश और अर्शी को इतनी नींद आती थी कि मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, वीकेंड के वार पे जितनी भी मुझे डांट पड़ती थी मैं नींद में रहती थी, और सलमान मुझ पर चिल्लाया करते थे और मैं ऐसे नींद में रहती, मैं कहती जी जी सही बोल रहे हैं जी जी, तो मैं जो समझ में, कभी कभी क्या होता था वो ऐसे मैं ऐसे होने लगती थी नींद में और वो बोलते अर्शी तो हाँ सलमान, हाँ सलमान, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, मैं बोलती जी सलमान जी जी सलमान, तो वो क्या रहता था, मैं बड़ी नींद में ऐसे गश ऐसे खाती रहती। ओके नाइन्टीज की बात की आपने, बिग बॉस के घर में जो आपके साथ जो सारे कंटेस्टेंट्स थे उन्हें अगर नाइटी एक एक को गिफ्ट करनी होगी तो किसे, किस तरह की नाइटी गिफ्ट करोगे आप, उनके नेचर को ध्यान में रखकर? सबसे पहले शिल्पा है, शिल्पा को मैं कॉटन की दूंगी वो बड़ी उनको नहीं है पसंद ये सब कुछ, वो मेरी नाइटीज़ को ऐसे करती पड़ती थी हमेशा, तो उन्हें कॉटन की दूंगी। हिना को थोड़ा सा मैं फंकी जो लुक आता है ना, जैसे नाइटीज़ में ऐसे लेसेस जिससे नीचे कट ऑफ रहते हैं, या वेलवेटी जो आती है अलग टाइप की, वैसी दूंगी। बैन को मैं दे सकती हूँ लेस वाली, वो अच्छी लगेगी उसके ऊपर, वो हाइटेड है। और ज्योति तो नहीं, उसको तो नाइटीज़ क्या, उससे सिंपल एक सेटिन की नाइटी दे दो, बेस्ट है उसके लिए। ढिंचक पूजा को दूंगी मैं, इधर से कटी हुई, इधर से कटी कट वाली, मतलब वो ढिंचक में बेस्ट लगेगी तो शायद उस पर रैप भी कर ले, करेगी वो तो कहीं भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सलमान मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपने बेवजह लड़ाई करवाई है मेरी उससे, बेवजह लड़ाई करवा दी यार, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी बंदी से। अच्छा बिग बॉस के घर में क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, कुछ कहना? सीखा बहुत कुछ है, और जैसा मैं एज ए कॉमनर गई थी वहाँ पर, और बड़ी ज़िद्दी इंसान थी, और बातचीत करने का कोई मतलब, बातचीत तो बहुत अच्छे से आती थी लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता था, किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं बख्शना है, बस ये दिमाग में रहता था 3 हफ्तों तक। लेकिन धीरे धीरे बिग बॉस के अंदर सलमान ने बहुत सिखाया, विकास ने बहुत सिखाया, राशनिंग करना सीख गई मैं, मतलब घर के अंदर थोड़े ही खाना बनाना चाहिए, खाना नहीं फेंकना चाहिए, बिग बॉस ने बहुत अच्छे से सिखाया। खाना बनाना सीखा? नहीं, खाना मुझे पहले से ही बनाना आता था, खाना मैंने पहले से ही सीखा था। सीखा क्या था, घर के अंदर ऑब्वियसली भाभियाँ हैं और पूरा मतलब हम लोगों का फैमिली साथ में ही रहता है, तो मैं खाना नहीं बनाती लेकिन मेरी भाभियाँ जो बनाती हैं, और वहाँ तो माशाल्लाह बड़े बड़े देगों में खाने बनते, बिरयानी कौरमे ये सब कुछ, तो वो मैं देखा करती थी, तो मुझे चीज़ आ गई थी समझ में कि कितना कितना क्या डलता है। जैसे कि आपने कहा खाना बनाना ऑलरेडी आता था, और बिग बॉस के घर के अंदर जाकर किचन की बाकी सारी चीज़ें भी सीख ली, सो नाउ आई कांट वेट टू सी यू इन द किचन एंड सी आप आज क्या बना रहे हो। मैं आपके लिए आज सूजी का हलवा बनाऊंगी, और चलो आज बनाते हैं, बहुत दिन के बाद किचन में काम करेंगे, चलो चलिए आइए, मैं आज आपको अपने किचन में लाती हूँ। और ये वैसे आप आ जाइए इस तरफ, ये अच्छा रेडी रखा है छोटू ने। हाँ एक्चुअली इसको टाइम लगता है ना बनाने के अंदर, और ये थोड़ा सुनहरी होना चाहिए तो मज़ा आता है इसको खा, मतलब रवे को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
ठीक है, मैं इसको पहले प्लेट में निकाल देती हूँ, फिर हम इसकी तैयारी करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। ओके, दिन की शुरुआत किस तरह से होती है, क्या चाय पीकर? शुरुआत मेरी चाय पीकर ही होती है हमेशा से, और वैसे मेरा रूटीन में शुरुआत से बड़ी सिंपल इंसान है। मुझे खाना, मेरा फेवरेट अगर खाना देखा जाए, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इटालियन, चाइनीज, थाई एंड ऑल, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरी चपाती रहेगी, मेरा रोस्टेड चिकन रहेगा और एक ग्रीन वेजिटेबल हो, कुछ भी वो मेरा, और दाल हो साथ में। अच्छा। वो मेरा फेवरेट है। इंडियन ज़्यादा पसंद है। ऐसी मैं बाहर भी अगर जाती हूँ, दुबई जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, तो मैं मोस्टली देखती हूँ कि मुझे इंडियन खाना कहीं मिलेगा। वैसे वहाँ का भी खाना बहुत अच्छा है। हाँ। चलो तो फिर हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। ये। वैसे मैं सोच रही थी आप लोगों के लिए शीर खुरमा बनाऊँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग आएंगे तो मैं आपके लिए शीर खुरमा बनाऊँगी। अब तो आना ही है अगली बार। अच्छा, बिग बॉस के घर में ऐसी कौन सी डिश थी, ऐसा कौन सा क्या खाना था जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते थे, आपको लगता था कि काश ये डिश मैं बना पाती या ये होती? मैं सोच रही थी कि लग्जरी में एक आध बार मटन आ जाए या फिर चिकन मिल जाए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या होता था, लोग सोते रहते थे तो उसमें हमारा माइनस पॉइंट चला जाता था, लग्जरी बजट नहीं मिलता था। कभी कभी मेरे घमंड में हम लोगों को लग्जरी बजट नहीं मिलता था, मैं कहती थी तुम लोग लग्जरी के लायक ही नहीं हो, मैं तुम लोग को जीतने नहीं दूंगी, और मैं नहीं जीतने देती थी उन लोगों को। शिल्पा भी यही कहती थी कि नहीं 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 जीतना ही नहीं इन लोगों को, लग्जरी देनी नहीं, खाओ दाल चावल रोटी सब्जी तुम लोग। तो हम लोग आने ही नहीं देते थे लग्जरी बजट घर के अंदर ज़्यादा, तो उसके ऊपर बहुत डांट भी पड़ी है, लेकिन हम लोग अपने करतूतों से नहीं बाज आते थे। चिकन बहुत मिस किया, लेकिन हमें सैटरडे मिल जाया करता था और वही हम संडे और मंडे तक चला लिया करते थे, सलमान के दर से बहुत ज़्यादा आ जाता था तो उसको सेफली रख दिया करते थे। अच्छा, तो अभी इसको बॉईल होने में टाइम लगेगा। अच्छा, अब ये तो बॉईल हो रहा है, अब क्या करना है? अब इसमें हम सूजी डाल देंगे और बस ये बन जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये बन जाएगा। इसको ना चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसके गोल गोल, मेरी मम्मी बोलती है, वो ऐसे पड़ जाते हैं। खुशबू ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है ना? या ओके, वैसे ये तो हम देख ही रहे, बहुत अच्छे से बनाया आपने। अदरवाइज किचन में कितने पाए जाते हो आप? मैं खाना खुद ही कुक करना पसंद करती हूँ मेरे घर पर। मेरी जो सर्वेंट्स हैं और ये सब हैं, वो मुश्किल से कभी कभार रोटी बना देती हैं। हाँ। लेकिन खाना मैं खुद ही कुक करती हूँ अपने लिए। मेरा खाना मुश्किल से, मैं बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ। बिग बॉस में भी आपने देखा होगा 19 लोगों का खाना मैं आधा घंटे में बना देती थी, तो उस बात की हिना ने भी बहुत तारीफ़ की थी। हाँ। कि अर्शी बहुत जल्दी खाना बनाती है, क्योंकि मेरा हाथ बड़ी जल्दी जल्दी चलता है, इधर से उठाना उधर से जरा ऐसे ऐसे डालना, बिल्कुल जो शेफ करते हैं ना, बिल्कुल वो करके। सभ्या भी इवन बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और बहुत जल्दी बनाते हैं सभ्या। और नेहा, ये बन गया है। हाँ। और मैं अब ये आपके लिए, मेरे लिए भी निकालूँ, मुझे भी भूख लगी है तो मैं इसे निकाल रही हूँ हम दोनों के लिए। देखिए गिर गया। तो नेहा के लिए मैंने हलवा बना दिया। हाउ स्वीट। ये नेहा आपके लिए, और yes. आप जरा चक्कर बताइए कैसा है। फॉर श्योर, चलिए चलिए, आइए आइए नेहा। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है यार। अच्छा, चक्कर बताओ कैसे बना है। यस, मैं भी खाऊंगी। बड़े दिन के बाद बनाया मैंने हलवा। बहुत अमेजिंग। जब ऐसे खाना अच्छा बनाती हूं ना मैं। बहुत ज़्यादा अच्छा यार। आप बोल रहे थे शुगर शायद कम है, पर ये तो परफेक्ट है। मुझे पता था परफेक्ट होगी, मुझे थोड़ा सा पता है कितना किस्मत डालना चाहिए। हाँ, बहुत प्यारा है ये हलवा, बहुत प्यारी थी आपकी मेहमान नवाजी यार। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम आपके घर आए हैं, वी थॉट खाली हाथ क्यों आए, सो आई हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या है वैसे ये, क्या देख लीजिए? यस यस, खोल के देख लीजिए आप इसको खोलेंगी जरा, मेरे नाखूनों का बड़ा दिक्कत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आपने मेरे
चलो यार बेस्ट है, जूसेस एंड ऑल, मतलब आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया किचन का। ठीक है, थैंक यू सो मच नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टेली मसाला मुझे गिफ्ट देने के लिए, ताकि मेरा किचन का काम आसान हो जाएगा। वैसे हे रशि, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके घर आकर, आपने इतने अच्छे से स्वागत किया, ना सिर्फ मेरा, मेरी पूरी टीम का, पूरी टेली मसाला की टीम का। टेली मसाला तो अपना है, कलर्स मेरा मायका और टेली मसाला मेरा ससुराल से नहीं बोलूँगी वो ससुराल जो मायके की याद बिल्कुल नहीं दिलाता। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल मायके की याद नहीं, लेकिन मायके की कभी कभी याद आना चाहिए यार, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रू। ओके, आगे क्या प्लान है अर्शी, कहाँ देखेंगे आपको? आपने हमारे सलून टाइम में तो खैर आपका लुक रिवील कर ही दिया है। हाँ डेफिनेटली, आप मुझे अभी शोज आने वाले, हमारे नाम तो नहीं लूँगी लेकिन शोज आने वाले कलर्स के ही हैं, और देखेंगे आप लोग। मैं वैसे भी आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि मुझे साउथ मूवीज़ करनी है, तो इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द मुझे साउथ मूवीज़ में देखेंगे। पूरा मेरा फोकस वहीं है कि मुझे वहीं से काम स्टार्ट करना है, और आपका एक ही एम होना चाहिए मेरे हिसाब से, 10 जगह आपको नहीं भटकना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी जगह देखेंगे मुझे, और देखेंगे तो ज़रूर यार, इतना किया है तो मैं तो दिखूँगी। यस, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो शुरुआत है। पिछले साल शायद सेकंड नंबर पे थी, इंशाल्लाह इस साल पूरी मेहनत करूंगी फर्स्ट नंबर पे आने की। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, वेलकम टू मेहमान नवाजी गाइस। इसका नाम है स्वीटी, इसका नाम है पिंकी, इसका नाम है शिरखुरमा। मेरा कपड़ों का पूरा कवर। हाँ, आप बैठ जाओ वरना आपको शौक लग जाएगा।